नमस्कार दोस्त, क्या आप अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं? क्या आप कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है हमारे मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये मैं क्यों करना चाहता हूँ और किस लिए करना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई चीज़ कॉस्ट ड्रिवन होती है उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। मार्गदर्शन गुरु में हम आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं जो आगे जाके ट्रांसफॉर्म करेगा इंडिया को, जो बहुत बड़े लेवल पर काम करेगा और आपको नहीं बहुत लोगों को एम्प्लॉय करेगा। अब देखो, वाई मार्गदर्शन गुरु, क्यों मार्गदर्शन गुरु? देखिए, मैंने अपने परिवार में 4 लोगों को सुसाइड होते हुए देखा है। 5-6 साल पहले मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया था, ठीक 1.5 महीने पहले मेरे सगे चाचा ने सुसाइड कर लिया। मैंने अपनी फैमिली में 4 लाशों को अपने सामने में देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम ये चीज़ रुक सकती है अगर उनको प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए एक्सपर्ट्स के द्वारा। पर दिक्कत क्या है, NLP ट्रेनर, रेकी ट्रेनर, इन लोगों ने लूट मचा रखी है। 35,000, 40,000, 50,000, 1.5 लाख नाम के लोगों को लूटा जा रहा है। माफ़ करना, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, जब तक समाज में परिवर्तन ना हो तब तक क्रांति नहीं आती। जब तक समाज में परिवर्तन ना हो क्रांति नहीं आती। क्रांति लाने के लिए आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ सबसे कमज़ोर वर्ग रहता है। मैं स्लम में कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने वहाँ से 1 रुपया नहीं लिया। अब वही स्लम के बच्चे अगले महीने डिजिटल मार्केटिंग साहब कोर टॉपिक पे वर्कशॉप करेंगे, वो भी 4-स्टार होटल में। वही स्लम के बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ, मैं जानबूझ के एनजीओ नहीं बनाए, क्योंकि NGO के लोग शक करते, जानबूझ के ट्रस्ट नहीं बनाया कि नहीं भगवान मुझे देगा। इस मिशन के साथ चला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊँगा। और सेकेंड लक्ष्य ये है कि अब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जो ट्रेनर्स को मौका देना है, हमारे ट्रेनर बहुत हैं, ऐसे ऐसे सोने से ट्रेनर हमने देखे हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही सच्चे हैं, पर उन्हें पता नहीं है मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केट कैसे करना भाई साहब। क्योंकि आप भले हीरा हो, बट जब तक हीरा तराश के किसी अच्छे ट्रेनरों में, बड़े ट्रेनरों में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है, केवल मार्केटिंग का फ़र्क है। मैं इसी सीढ़ी को मिटाना चाहता हूँ। मार्गदर्शन बड़े तौर पर ट्रेनर को हायर करना चाहता है, उनको ट्रेन करना चाह और अपनी रिस्क पे उनको हर जगह वर्कशॉप करने भेजना जाना चाहता है। मैं रफली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अंदर से इंट्यूशन आई कि सत्या आज तुम्हें करना है तो करना है। तो ये शायद इतना प्रोफेशनल नहीं होगा, पर मेरी बात में कुछ वजन है तो इसको सुनिएगा आप। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, आप पूरे दुनिया के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पूरी दुनिया के, वो चीज़ हम सिखाएंगे आपको कैसे आपको अपने आप को मार्केट करना है। देखिए, आप बिल्कुल सही जगह हैं और आप ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको पूरी दुनिया में आपको घूमने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा और अपना खुद का बॉस बनने का मौका मिलेगा। और ये कैसे होगा, कैसे होगा, रेडी हो आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब ये है ट्रेन द ट्रेनर, और मतलब मेरा कि एक ही लक्ष्य है, ट्रांसफॉर्म द इंडिया। हमने इंडिया को चेंज करना है, हमने उस जगह भी जाना है, स्कूलों, कॉलेजों, 5-स्टार 4-स्टार हर जगह एड्रेस में जाना है, ताकि हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। ये तभी होगा जब लार्ज स्केल में हम ट्रेनर्स को हायर करेंगे या उनको इतना ट्रेन कर देंगे कि अपने आप जाके मार्केटिंग कर लें और सिखा लें उनको, चाहे वो हमारे ब्रांड के अंदर काम करें या खुद काम करें। सिस्टम कैसे काम करेगा ये देखिए, मार्गदर्शन गुरु में फर्स्ट ऑफ ऑल होगा कि आपको बताया जाएगा ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं आप, सेकेंड आपको कैसे उसको मार्केट करना है टीजीबल पे, कैसे अमेजिंग वीडियोज़ बनाने अपने और उसको कैसे अपने ब्रांड बनना है, और साथ में आपको पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है, और सबसे मेन डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। ये पार्ट खुद भी सीख, जितने भी ट्रेनर जुड़ेंगे उनको हार्ड कोर डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, जिस जो बड़े बड़े टाइम्स प्रो या DSIM सिखाते हैं 1.5-2 लाख चार्ज करते हैं। मेरा लक्ष्य परिवर्तन है, मेरा लक्ष्य पैसा नहीं है। 4 लाशें देख चुका हूँ, अब मुझे समझ आ गया है कि मरने के बाद सब कुछ रह जाता है, बॉडी भी नहीं जाती आपके साथ। तो यही लक्ष्य है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना इंडिया में। अब टीचेबल क्या है, टीचेबल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप पूरा ऑनलाइन कोर्स कंटेंट अपना डाल सकते हैं। टीचेबल है, उडमी है, स्किल शेयर है, जहाँ से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, पर इसकी जानकारी ना ट्रेनर्स को है ही नहीं। एम क्या, टीचेबल की टेक्नोलॉजी ऐसी है जहाँ आप होस्टिंग कर सकते हैं, पूरा कंटेंट अपना डाल सकते हैं, उसको डाल के वर्ल्ड वाइड टीच कर सकते हैं, कैसे उसको होस्ट करना है, कैसे मार्केट करना है और कैसे आपको इतना अच्छा सा कंटेंट बनाना है, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। और टीचेबल में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको एक अच्छी कोर्स कंटेंट को अपलोड करने में और पैसा कमाने में बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि टीचेबल में आप खुद का चार्ज रख सकते हैं,
उडमी में क्या है, उडमी आधा पैसा आपसे ले लेगा जब कोई कंटेंट बिकेगा आपका, और जब जब कोई आपके लिंक से खरीदेगा तो विल गेट 97%। पर टीचेबल में ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप कंटेंट डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई भी काम करने के लिए ना आपको थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती है। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड वाइड जुड़ चुका है बाई ऑनलाइन। और मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा अंबानी जी को जिन्होंने जियो लॉन्च किया, जिससे कितनी ज़िंदगी सवर गई। मैं असल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, बोलते बच्चों ये वीडियो आप लोग देख लेना, इस टॉपिक का ऑनलाइन मिल जाएगा। तो साहब उन्होंने एक तरह की कंपनी ने स्टार्ट की, उन्होंने बहुत बड़ी समाज सेवा की है कि जो कंपनियाँ लूट रही थी हमको 2-3 साल पहले 200 रुपये का 1 GB देके, अब 1.5 GB हमें कम पड़ता है। तो अभी क्या है इसमें, कैसे सक्सेसफुल ट्रेनर बनना है आपको, कितने भाई आपको आपको ऑडियंस बनाने में समय लगेगा, क्या क्या आपको चाहिए, कैसे आपको निश फाइन करना है, आपको किन किन से फोरम पे आपको एड्रेस करना है, सेकंड वैल्यू कैसे बढ़ानी है आपको, क्योंकि भैया ब्रांड बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, किस तरीके से आपको रिटर्न करना है। अच्छा, गिव पीपल व्हाट दे वांट, कुछ ट्रेनर उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि बंदे चाहते क्या हैं, क्योंकि उनके पास ऑडियंस नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑडियंस सर्च करना, देखना, गूगल फॉर्म भरना, ईमेल मार्केटिंग करना, ये सब सिखाया जाएगा ताकि आपको ऑडियंस मिल जाए जो आप चाहते हैं। फिर होगा काम शुरू, आइडिया, फिर आप क्रिएट करेंगे, फिर आप पोस्ट करेंगे, फिर आप लॉन्च करें और ख़ुद अपने कोर्स की मार्केटिंग करेंगे। अगर आप हमसे जाएंगे तो हम भी मार्केटिंग कर देंगे आपकी, ताकि लार्ज स्केल में कर पाएँ। अच्छी, अब बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी कोर्स लॉन्च करें अपने आप को, तो अलग अलग बच्चों से उनके फीड फॉर्म्स लें, क्योंकि जैसे गूगल पे रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, अमेजन पे रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बच्चों के रिव्यूज़ और स्टूडेंट का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको हर चीज़ की हम ट्रेनिंग देंगे अच्छे तरीके से, और कैसे आपको अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, उस आइडियाज़ को किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में इंटरनेशनली आपको मार्केट करना है, ये पूरा आपको सिखाया जाएगा इस ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में। इसके साथ साथ कैसे क्रिएट करना है, देखिए फ्लो चार्ट आप ध्यान से देखिएगा। आप पहला लिस्ट कैसे बनानी है, सेक्शंस कैसे बनानी है, आउटलाइन कैसे बनानी है, रिकॉर्ड कैसे वीडियो करना है, एडिट कैसे करना है वीडियो, रीअपलोड कैसे करना है वीडियो को, फिर क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या कैमरा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर को पास पैसा तो पता ही नहीं कौन सा कैमरा लेना है, और बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियोज़ देख के लगते हैं। भाई साहब आपको सही चीज़ बताई जाएगी कौन सा कैमरा लेना है। आपको पता है आप सिर्फ अपने लैपटॉप से हाई क्वालिटी वीडियोज़ बना सकते, जैसे मैं बना रहा हूँ, तो DSLR की आवश्यकता नहीं है, आप स्मार्टफोन से ही बना सकते हैं। माइक्रोफोन कौन सा लेना है आपको, आप 700 रुपये के माइक्रोफोन से विवेक बिंद्रा के टाइप के ऑडियो की वीडियो बना सकते हैं। जरूरी आप 2.5 लाख का माइक लें, 2 लाख का माइक लें। वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर हैं आपके जो हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग करते हैं, ऑडियो एडिटिंग किससे किससे की जाए, वीडियो का कंप्रेशन किससे किया जाए, अच्छा कौन सा ट्राइपॉड लें, वेबकैम कौन सा लगाए। बहुत सारे ट्रेनर ये भी नहीं आते सत्या कि यार हमें ना वो अपना बिना लार्ज स्केल पे करना है, कैसे करना है, कैसे लॉन्ग टर्म उसको लेके जाना है उनको नहीं पता। लाइटिंग कैसे इस्तेमाल करी, कौन सा पैड इस्तेमाल करें, कौन सा बेसिक कंप्यूटर इस्तेमाल करें, ये सारी जानकारी दी जाएगी ताकि आप इतने इक्विप्ड हो सको कि आप इंटरनेशनल डोमिनेट कर सको। अब देखिए प्रोमो वीडियो कैसे बनाना है, क्या एड साइकोलॉजी काम करती है, कितने कम टाइम में आप उनको आप कैप्चर कर सकते हैं ऑडियंस को। शुरुआत 50 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऐड के लिए, ताकि आप किसी को एड्रेस कर पाओ। इसके साथ साथ होस्ट कैसे करना है, कोर्स को लॉन्च कैसे करना है, और देखिए टीचेबल का प्लेटफॉर्म में कैसे कैसे फीचर्स हैं, टीचेबल है, स्किलशेयर है, कोर्स है, एडेक्स है, या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। मैं अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, मैं एक स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं बड़े बड़े ट्रेनर्स का प्रोग्राम अटेंड करूँ। मैं कई बार बाहर खड़ा रहता था कि काश वो दिन आएगा जब मैं भी प्रोग्राम करूँगा, पर मैं इतना चार्ज दे लूँगा, पर भगवती ने कृपा की और मुझे MOOCs का सहारा मिल गया, मैसिव ऑनलाइन ओपन करिकुलम, जहाँ से वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं। बस फिर क्या था, गूगल बाबा की जय, मैंने कोर्स करना स्टार्ट कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग मैंने कहीं नहीं, पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं, अब समय आ गया कि औरों की हेल्प करो। अगर आपके पास भगवान ने कुछ ज्ञान दिया, मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा, मैं केवल एक माध्यम हूँ जिसके द्वारा आप कहीं और जा सकते हैं, मैं केवल एक माध्यम हूँ। तो कैसे कोर्स को लॉन्च करना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी, कैसे अपने को ब्रांड बनाना है भाई साहब, कैसे ईमेल मार्केटिंग कैसे हर चीज़, यूट्यूब पे कैसे सक्सेसफुल होना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, सारे की सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और मास्टरशाम से ये चाहता है कि आप हमसे जुड़ें ताकि आप लार्ज स्केल पे हमारे साथ जुड़ के पूरे देश में चेंज ला सकें। हम लोग रिस्क बेयर करेंगे आपका 100%, क्योंकि किसी ट्रेनर को डर होता है भाई साहब 4-स्टार होटल में वर्कशॉप, 5-स्टार में बंदे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रेनर बिरादरी हम सब लोग जानते हैं क्या अंदर इन्वॉल्व होता है। लोगों को दिखता तो 5-स्टार होटल है, तो उस ट्रेनर का दर्द नहीं दिखता कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे। तो ट्रेनर का पूरा बैकएंड सपोर्ट करेंगे हम,
पूरा मार्केट करेंगे, हम उसकी ब्रांडिंग करेंगे, सब चीज़ करेंगे और उसको ज़ीरो रिस्क पे रखेंगे। बस तुम जाओ वर्कशॉप करके आओ। पर हाँ, हम हीरे चुनेंगे, हम ऐसे व्यक्ति चुनेंगे जिनमें आध्यात्म हो, जिनमें स्पिरिचुअलिटी हो। वो चुनना हमारा काम है, ट्रेन कर दिया पर चुनना हमारा काम है। आशा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आएंगे, और इस प्रोग्राम में आने का मेरा मकसद केवल यही है, किसी को लीड या ब्लीड नहीं करना, किसी को बर्बाद नहीं करना, किसी को यही नहीं करना कि लूट रहे हो आप लोग। पर देखिए, जब तक समाज में परिवर्तन लाना नहीं है, जब तक समाज में परिवर्तन लाना नहीं है, तब तक आपको कुछ ना कुछ तो प्राइस कम रखना पड़ेगा। आपको लास्ट बेंच पे बंदा जो बैठा है, लास्ट कॉर्नर में बंदा बैठा है, जो जिसको इसकी रीच है, कड़ी में एक बच्चे से मिला जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी थी, तो एक एन एल पी ट्रेनर बोलने लगा, भाई साहब आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई 50,000 रुपये लाओ। तो मैं सोचा ये मंचा अफोर्ड नहीं कर सकता, हो सकता है ये भी किसी ने अपने को टांग ले। कि हमने खुद के अंदर झांक के देखा है ट्रेनरों की, हम कितने अच्छे इंसान हैं। मैंने अपनी लाइफ में ट्रेनर्स फील्ड में, ट्रेनिंग में सबसे जलन देखी है ट्रेनर्स में। खुद तो अपने ट्रेनर कहते हैं सबसे ज़्यादा जलन इस फील्ड में, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं चाहते। पर जो अच्छे लोग हैं बेचारे बढ़ नहीं पा रहे, उनको बाकी करना तरीका नहीं आना, उसमें माधव शाह आपकी हेल्प करेगा। मैं आशा करता हूँ इस मिशन में आप जुड़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। एक नंबर है 8586862608, 8586862608। इस पर आप जस्ट व्हाट्सएप करेंगे जय श्री गणेश, ऑटोमेटिक आपको लिंक पहुंच जाएगा और आप हमारे मिशन में जुड़ जाएंगे। आशा करता हूँ इस मिशन में हमारे देश को ट्रांसफॉर्म करने में आप हेल्प करेंगे, और जब काम सेवा के लिए होता है तो भाई साहब उसके रिजल्ट भगवती अलग देती है। धन्यवाद।